हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम सीओवी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर हमने यूलर्स पॉइजन इक्वेशन का प्रूफ देखा था एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज है आइसो पैरामेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, आइसो पैरामेट्रिक प्रॉब्लम, इसको कंडीशनल एक्सट्रीमम। ठीक है, देयर आर सम प्रॉब्लम इन विच वन हैज टू फाइंड ज्योमेट्रिक फिगर That is extremum under the given condition. Such problems is called isoperimetric problem. देखो, हमें अगर हमें एक साथ दो प्रॉब्लम दी है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, टू फाइंड ज्योमेट्रिक फिगर, मतलब एक्सट्रीमम निकालना है हमें आई का। ठीक है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन विच वन हैज टू फाइंड ज्योमेट्रिक फिगर्स। ज्योमेट्रिक फिगर मिलेगा, ज्योमेट्रिक फिगर मतलब सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, ऐसे मिलेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक फिगर मिलेगा हमें। सच प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं, सच प्रॉब्लम इज कॉल्ड आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, सच प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय लैग्रांज मल्टीप्लायर्स मेथड। ठीक है, इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, लैग्रांज मल्टीप्लायर लैम्डा, लैग्रांज मल्टीप्लायर होता है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा के हम एक उसमें इंटू करेंगे, उससे मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो हमें एक फंक्शनल दे रखा टू फाइंड द एक्सट्रीमस ऑफ फंक्शनल I y x, x नॉट से x1, f y, y dash dx, ठीक है, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन। हमें कंडीशन या कॉन्स्टेंट दे रखे हैं। ठीक है, हमें कंडीशन दी रहेगी एक। ठीक है, जैसे हम इक्वेशन में देखते थे, इक्वेशन में हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उसके साथ कंडीशन दे दी। ठीक है, इसके ये हमें फंक्शनल दे रखा है, उसके साथ सब्जेक्टेड टू द कंडीशन हमें कंडीशन दे दी, या कॉन्स्टेंट बोल सकते इसको। जे वाई एक्स, एक्स नॉट से एक्स वन, जी एक्स वाई वाई डैश डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमें फंक्शनल दिया रहेगा। और ये जो हमारा जे वाई एक्स, इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, मतलब इसको फिक्स्ड भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड, या हमें इसको गिवन दिया रहेगा। ठीक है, ये गिवन दिया रहेगा, तो हम इसको बोल, ये कॉन्स्टेंट, ये सब्जेक्ट टू द कंडीशन दे रही है, ये हमें जो जे वाई एक्स क्या दिया रहेगा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हम इन दोनों को कैसे मिलाएंगे, हम हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक एफ वाई बनाना पड़ेगा, जिसे हम एफ निकालते थे, उसके लिए यूलर्स इक्वेशन निकालते थे। ठीक है, हम इसमें यूलर्स इक्वेशन लगाएंगे, तो हम इन दोनों को कैसे जॉइन करेंगे। देखो, जो फंक्शनल है ये क्या रहेगा, ये क्या है, फिक्स्ड है, मतलब इसकी वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, एल पी कुछ भी दिए रहेगा। ठीक है, मतलब ये कॉन्स्टेंट दिया रहेगा, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ठीक है, ये हमें वैल्यू दी रहेगी और ये हमें निकालना पड़ेगा। ये कोई मैक्सिमा मिनिमा एरिया एक्सट्रीमस बोला है ना, एक्सट्रीमल, और इसका एक्सट्रीमम निकालना हमें, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा या मिनिमा। ठीक है, तो हमें देखो, जो हमारा एफ आई है, जो हमें निकालना है, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, उसको क्या लेना, हमें पहले लेना है और लैम्डा की इसके साथ इंटू करनी है। ठीक है, लैम्डा की जो हमें कंडीशन दी है, कंडीशन के अंदर हमें जो ये दे रखा है, फंक्शनल दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, इसके साथ लैम्डा की इंटू करनी है। ठीक है, तो हमारा एक कंसिडर एक्स इक्वल टू एफ, जो ये जो हमें निकालना, मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है इसको। ठीक है, एफ प्लस लैम्डा जी। ठीक है, एफ प्लस लैम्डा जी, जो लैम्डा किसके साथ इंटू होगा, जी के साथ, जो हमें कंडीशन दी रहेगी। ठीक है, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। ठीक है, हम लैम्डा को क्या बोलते हैं, लैग्रांज मल्टीप्लायर्स। देन बाय यूलर्स इक्वेशन, इसमें एक ये फंक्शन बन गया, दूसरा ये भी तो एच, एक्स कॉमा वाई कॉमा वाई डैश का फंक्शन बना एच भी। ठीक है, तो इसको क्या हम यूलर्स इक्वेशन लगाएंगे। देन नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमल इज, एक्सट्रीमल के एग्जिस्टेंस के लिए डेल एफ बटे डेल वाई माइनस डी बटे डी एक्स, डेल एफ बटे डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। ठीक है, एफ नहीं होगा यहाँ पर, एच ले रखा है ना, तो एच होगा, सॉरी। ठीक है, ये होगा एच। ठीक है, डेल एफ बटे डेल वाई माइनस डी बटे डी एक्स, डेल एच बटे डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसके लिए लैग्रांज, जहां पर एफ लिखते थे वहां पर एच लिख दिया। ठीक है, दिस इज अ गिवन रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, ये किसके लिए है, फंक्शनल वन एंड टू के लिए है, अंडर द कंडीशन टू। ठीक है, ये हमारा जो है, दिस इज अ गिवन एक्सट्रीमल निकालेंगे हम इससे ऑफ द फंक्शनल वन अंडर द कंडीशन टू। ठीक है, अब देखो इस पर क्वेश्चन देख लो, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन, द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल
जे वाई एक्स जीरो टू वन वाई डैश स्क्वायर डी एक्स सच दैट वाई जीरो इक्वल टू जीरो वाई वन इक्वल टू वन। ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव टू है, वैसे सब्जेक्टिव टू y0 इक्वल टू जीरो y1 इक्वल टू वन एंड 0 टू 1 y dx इक्वल टू जीरो। हमें तीन कंडीशन दे रही है, ठीक है, तीन कंडीशन दे रही है इज, ठीक है। अब इज इसके जो हमारा एक्सट्रीमल क्या होगा जब ये y फंक्शन हमें ये दे रखा है और कंडीशन हमें ये दे रही है, ठीक है, एक कंडीशन में ये वाली भी दे रही है, तो हमारा क्या होगा एक्सट्रीमल क्या निकलेगा, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखो f हमें क्या दे रखा है y डैश स्क्वायर और g हमें क्या दे रखा है y दे रखा है, ठीक है। g हमें अपनी मर्जी से कोई सा भी ले सकते हो, g ले सकते हो या h ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है, जो हमारा ये वाला है, ठीक है, जो हमारा ये वाली कंडीशन है, फंक्शनल कंडीशन है, जो हमें इसको ये हमें g इक्वल टू y ले लिया, ठीक है। और इसके साथ जो फंक्शनल कंडीशन है, जो हमारी ये वाली कंडीशन है, जो इक्वल टू मतलब कॉन्स्टेंट दे रखा है कुछ, ठीक है, कॉन्स्टेंट दे रखा है, उसके साथ हमें लैग्रैंज मल्टीप्लायर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, लैग्रैंज मल्टीप्लायर लैम्डा क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ जो हमें यानी कंडीशन दे रखी है। तो एच हम ले लेंगे एफ प्लस लैम्डा जी, तो वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई, हम यूलर्स इक्वेशन लगा लेते हैं इसमें, ठीक है, हम यूलर्स इक्वेशन लगाया, तो डेल एच बट्टे डेल वाई माइनस डी बट्टे डी एक्स डेल एच डेल एच बट्टे डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। तो हमारे देखो वाई ये लैम्डा देगा माइनस डी बटे डी एक्स टू वाई डैश इक्वल टू जीरो, तो टू वाई डबल डैश इक्वल टू लैम्डा, तो वाई डबल डैश क्या जाएगा लैम्डा बाई टू। तो हम इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद हमारा ये आया ए वाई, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई डैश इक्वल टू लैम्डा बाई टू एक्स प्लस सी वन, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट भी आएगा, ठीक है। दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, दोबारा हमने इंटीग्रेट करा तो हमारे पास आया y x इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर बाई फोर प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू, ठीक है। अब हमें कंडीशन लगानी नहीं है, y जीरो इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर जीरो, ये भी जीरो, तो हमारे पास सी टू आ जाएगा जीरो, तो इसके लिए हमारे y x क्या आएगा सी टू जीरो हो गया, तो हमारे पास सिर्फ इतना रहा, ठीक है, लैम्डा x स्क्वायर बाई फोर प्लस सी वन एक्स, ठीक है, एंड y1 इक्वल टू दूसरी y1 इक्वल टू वन रखा लैम्डा बाई फोर प्लस सी वन। तो इसमें से कोई सा भी एक निकाल लो, लैम्डा निकाल लो या सी वन निकाल लो, तो हमने सी वन निकाल लिया तो वन माइनस लैम्डा बाई फोर आ गया, ठीक है, तो सी वन हमारे ये आ गया, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ वाई एक्स में रखी, तो वाई एक्स आया इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वन माइनस लैम्डा बाई फोर एक्स, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन बची हमारे पास जीरो टू वन वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो हमने जो वाई एक्स निकाला हमने इसकी वैल्यू रख देनी है, जो हमने ये वाला एक्सट्रीम निकाला इसकी वैल्यू यहां रख देनी है, जीरो टू वन लैम्डा एक्स एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वन माइनस लैम्डा बाई फोर एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा बाई फोर एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस वन माइनस लैम्डा बाई फोर एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो टू वन इसकी लिमिट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करें तो आया लैम्डा बाई ट्वेल्व प्लस ये इसके अपर लिमिट रखी, लोअर लिमिट पे पूरा जीरो जाएगा, अपर लिमिट रखी तो लैम्डा बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई टू, देखो ये आएगा वन बाई टू इंटू वन माइनस लैम्डा बाई फोर, तो मैंने अंदर पहले से इंटू कर दिया, तो वन बाई टू माइनस लैम्डा बाई एट हो जाएगा इक्वल टू जीरो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो जब हम इसको लैम्डा बाई एट एक साइड को लेंगे, इस साइड को लेंगे हम लैम्डा बाई एट माइनस लैम्डा बाई टू इक्वल टू वन बाई टू, जब हम इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आएगा लैम्डा इक्वल टू टू इंटू ट्वेल्व बाई टू, तो हमारे पास लैम्डा क्या आया ट्वेल्व आ गया, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू हमने यहां रख दी, ठीक है, इसमें हमने लैम्डा की वैल्यू रख दी, ठीक है। हैंस वाई एक्स क्या आ जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू रखी ट्वेल्व इंटू एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वन माइनस ट्वेल्व बाई फोर इंटू एक्स हो जाएगा, तो हमारे पास वाई एक्स क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x हमारा वाई एक्स आ गया, एक्सट्रीमल आ गया, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो हमें जब हमें गिवन है, ठीक है, जब हमें ये एक्सट्रीमल f और g हमें गिवन है, जब हमें गिवन नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा f होगा क्या g होगा, ठीक है, उस पर भी इस क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो
फाइंड द शेप ऑफ द कर्व ऑफ द गिवन पैरामीटर इंक्लूडिंग मैक्सिमम एरिया। ठीक है, हमें कर्व का शेप निकालना है जो हमें गिवन पैरामीटर दे रखा है और जो मैक्सिमम एरिया इंक्लोज करता है। ठीक है, या तो हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में दिया रहता है, फाइंड द प्लेन कर्व ऑफ फिक्स्ड पैरामीटर एंड मैक्सिमम एरिया। अब देखो इसमें कैसे फाइंड करेंगे हम कि हमारा जो हमने लैम्डा जो लैग्रांज मल्टीप्लायर है उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना है। देखो जहां पर गिवन दिया रहेगा जिसके आगे या फिक्स्ड दिया रहेगा। ठीक है, फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट आ रहा है, कुछ फिक्स्ड है। ठीक है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, फिक्स्ड का मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो जहां पर फिक्स्ड या गिवन दिया है, गिवन पैरामीटर दे रखा है ना, तो वो क्या होगा, हमारा लैग्रांज मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वो क्या आएगा, बाद में आएगा। देखो एच एफ प्लस लैम्डा जी। ठीक है, जहां पर फिक्स्ड या गिवन दिया रहेगा वो क्या होगा, हमारा जी वाला होगा, जी होगा। ठीक है, और जो हमें मैक्सिमम या मिनिमम भी दिया रह सकता है, मैक्सिमम या मिनिमम दिया रहेगा वो हमारा क्या होगा, ये एफ होगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है, एक कर्व दे रखा है। ठीक है, ये कर्व हो गया, इसका पैरामीटर गिवन है। ठीक है, पैरामीटर जैसे 10-20 मान लिया इस कर्व का। ठीक है, जैसे हमने कोई वायर ली। ठीक है, जैसे हमने ये एक वायर ली। ठीक है, ये इस लेंथ की वायर है। ठीक है, इसका कोई पैरामीटर होगा, फिक्स लेंथ है इसकी। ठीक है, फिक्स है ना। अब इसको क्या, इस कर्व को हमको मोड़ना है, हमें इंक्लोज करना है, इस फॉर्म में बनाना है कि हमारे पास एरिया क्या आए, मैक्सिमम आए। ठीक है, ये एक वायर होगी। ठीक है, ये वायर होगी, हमें इसका मैक्सिमम एरिया चाहिए। ठीक है, इस कर्व को हम किस तरीके से मोड़े, हम इस कर्व कौन सा कर्व निकाले, हम इस कर्व को किस तरह से मोड़े कि हम पास मैक्सिमम एरिया आए। ठीक है, ठीक है, अब देखो लेट पी बी द पैरामीटर ऑफ प्लेन कर्व। ठीक है, इस कर्व जो हमें कर्व y = yx हमने कर्व ले लिया, उसका पैरामीटर हमें पी दे रखा है। ठीक है, ये जैसे देखो एक वायर होगी, इसका हमें ये फिक्स रहेगी पैरामीटर। ठीक है, पासिंग थ्रू हमें पॉइंट दे रखा है x1 से x1 y1 और x2 y2 हमें पॉइंट दे रखा है। ठीक है, और देखो पैरामीटर क्या, ये कर्व है। ठीक है, कर्व क्या क्या होगा, कर्व लेंथ क्या होती है, s। s को कैसे निकालते हैं, s = x1 से x2 dx। तो हमने इसको पैरामीटर दे रखा है हमें यहाँ पे, तो हमने इसको p ले लिया। ठीक है, p = x1 से x2 ds। ठीक है, क्या है, ये छोटे छोटे पार्ट को हम मिला के हम क्या निकालते हैं, पूरी कर्व की लेंथ निकालते ना। ठीक है, छोटा पार्ट है। ठीक है, फिर उसको यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे क्या निकलेगा, पूरा निकल जाएगा, पूरी हमारी कर्व की लेंथ निकलेगी। ठीक है, ये ds हो गया, ds को क्या लिखते हैं, √1 + y² dx। ठीक है, यहाँ पे ds लिखा, यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ds = √, मतलब ऐसे हमें ds देते हैं √dx + dy। ठीक है, तो हमने यहां से ds कॉमन निकाला, स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है इसके साथ, तो हमने यहां से dx कॉमन निकाला, dx बाहर निकाला, तो हमारे पास हो जाएगा 1 + dy / dx। ठीक है, ये इस तरह से, तो 1 + y² dx हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या रह गया, p मिल गया। ठीक है, हमें ऑल्सो एरिया, जो हमें एरिया इनक्लोज बाय द कर्व, जो एक कर्व एरिया बनाएगा। ठीक है, कर्व एरिया बनाएगा y = yx, एक y = yx कर्व से। ठीक है, कर्व y = yx और x एक्सिस, हमने एक x एक्सिस ले ली और दो परपेंडिकुलर लाइन मिल ली। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास ये सर्कल मिल गया, ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन और यहां हो गया। ठीक है, ये होगी किनारे से परपेंडिकुलर लाइन, ये हो गया हमारा कर्व जो हमारा एरिया बना रहा है, और ये क्या होगा हमारा, ये y एक्सिस के यहां ले लिया। ठीक है, हमने, ठीक है, y = yx, y एक्सिस एंड टू परपेंडिकुलर लाइंस, तो हमारे पास एरिया क्या होगा, a = ये हमारा एरिया हो गया, हमें मैक्सिमम एरिया निकालना है, a = x1 से x2, इसके बीच में रहेगा x1 से x2 y dx। ठीक है, जो एरिया होता है वो क्या निकलेगा, y dx होगा। ठीक है, इसी का तो एरिया निकलेगा ना, जो कर्व दे रखा है। ठीक है, y dx होगा एरिया। ठीक है, x1 से x2 y dx हो जाएगा। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अंडर द कंडीशन, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 2 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अंडर कंडीशन, जो हमें ये कंडीशन दे रखी है p, जो हमें पैरामीटर दे रखा है अंडर कंडीशन 1 के कंडीशन में। हियर जो हमारा f हो गया, y हो गया और जो g हो गया अंडर रूट
वन प्लस वाई डैच स्क्वायर, ठीक है। तो फिक्स यार गिवन दिया रहेगा वो क्या हमारा जी हो गया, ठीक है, अंडर रूट वन प्लस वाई डैच स्क्वायर। तो हमारा एक्स क्या जाएगा, या फिर यहां पर लिख सकते हो बाय लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, ठीक है, लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, ठीक है। तो हमारा इसको h इक्वल टू f प्लस लैम्डा g, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे y प्लस लैम्डा अंडर रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम यूलर्स इक्वेशन लगा देंगे, ये यूलर्स इक्वेशन, ठीक है, यूलर्स इक्वेशन लगाई तो हमारे पास क्या है, देखो y डेल y तो वन, और यहां पर d बटे dx लैम्डा इंटू, जैसे इसका डिफरेंशिएशन करा तो यह हो जाएगा वन अपॉन, जैसे d बटे dx डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स, तो हमारे पास क्या होगा अंडर रूट टू अंडर रूट एक्स होता है, वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स इंटू जो एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन आ जाएगा, ठीक है। तो हम वाई डैश का कर रहे हैं तो ये आएगा वन अपॉन टू अंडर रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर, फिर इसका करेंगे अंदर का तो हो जाएगा इंटू टू वाई डैश, ठीक है, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, जब हमने इसको इंटीग्रेट करा तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो यहां पर क्या आएगा 1x माइनस लैम्डा, ये इससे क्या जाएगा, ठीक है, तो ये जाएगा 1 लैम्डा y डैश अपॉन, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो लैम्डा y डैश अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल टू, ये एक कांस्टेंट हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 और यहां पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, ये हमने a लिख दिया, ठीक है, a हमने कांस्टेंट लिख दिया। तो हमने x, तो हमारा हो जाएगा लैम्डा y डैश अपॉन अंडर रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए, ठीक है। जब इसको हम स्क्वायरिंग कर देंगे और इसको उधर लेके चल जाओ, स्क्वायरिंग भी कर दो, स्क्वायरिंग तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, ये यहां इसके साथ गया तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायरिंग से, तो वन प्लस वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। और जब हम इसको वाई डैश वाले को एक साथ लाएंगे तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो हम वाई डैश स्क्वायर क्या जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अब क्या कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया, देखो स्क्वायर रूट कर रहे तो यहां पर वाई डैश क्या हो जाएगा, वाई डैश इक्वल टू प्लस माइनस आता है, ठीक है, प्लस माइनस एक्स माइनस ए अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो हम डीवाई बटे, ये क्या होता है डीवाई बटे डी एक्स होता है, तो डीवाई एक साथ और इधर को जो एक्स वाला साइड है ये पूरा एक्स का बन गया, तो डी एक्स इसके साथ, तो हमने जो अब नीचे वाला है इसको क्या ले लिया, टी ले लिया, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू टी, तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा तो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस ए डी एक्स इक्वल टू डी टी, जहां पर एक्स माइनस ए डी एक्स है वहां पर क्या जाएगा हमारा डी टी बाई माइनस टू, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे dy प्लस माइनस x माइनस a की जगह पे x माइनस a dx, ये dt by 2 हो जाएगा, x माइनस a dx का जाएगा dt by माइनस 2, और यहां पर ये पूरे की जगह पे t अंडर रूट t, तो dt by माइनस 2, तो ये माइनस प्लस माइनस है, अगर माइनस इंटू होगा तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस लिख दे माइनस प्लस, और जब इसका करेंगे ये तो जाएगा माइनस t की पावर माइनस वन बाई टू, इसका इंटीग्रेट करना है तो जाएगा t की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन, तो हमारा हो जाएगा ये माइनस ये क्या आएगा वन बाई टू, तो ये टू इसके साथ इंटू हो जाएगा यहाँ, तो आएगा टू अंडर रूट टी इंटू वन बाई टू पहले से है प्लस बी ए कॉन्स्टेंट और आ जाएगा, तो हमने वाई माइनस बी इक्वल टू माइनस प्लस अंडर रूट, यहाँ पर टी की जो हमने वैल्यू रखी थी वो रख दी लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायरिंग करा, हमने स्क्वायरिंग करा, जब हमने स्क्वायरिंग करा तो वाई माइनस बी का स्क्वायर स्क्वायरिंग से प्लस माइनस सब हट गया, ठीक है, ये पॉजिटिव ही आ गया, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस एक साइड को लेकर एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बनाइए, रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल विच रिप्रेजेंट अ सर्कल, हमें क्या मिला एक
सर्कल मिला, एक्सटर्नल क्या बना रहा है, एक सर्कल विद रिप्रेजेंट अ सर्कल विद सेंटर, इसमें सेंटर क्या है ए कॉमा बी एंड रेडियस लैम्डा। ठीक है, देखो ये सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल बना हमारा, ठीक है, यहाँ स्टैंडर्ड सर्कल बना जिसका सेंटर ए कॉमा बी है और रेडियस क्या है लैम्डा। ठीक है, स्टैंडर्ड इसकी इक्वेशन कहते हैं एक्स एक्स माइनस एच स्क्वायर माइनस प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही। ठीक है, जहां एच और के क्या है ए और बी है और लैम्डा की जगह पे आर की जगह पे क्या है लैम्डा। ठीक है, ये क्या हमारा बना स्टैंडर्ड, जो हमें निकालना था शेप निकालना था कर्व की, कर्व जब हम कर्व को कैसे घुमाएंगे सर्कल फॉर्म में घुमाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा मैक्सिमम एरिया मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम एरिया मिलेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फाइंड द सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ गिवन सरफेस। ठीक है, फाइंड द सॉलिड दे रखा है ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड फाइंड करना है जिसका वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम है। ठीक है, बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ गिवन सरफेस, एक सरफेस दे रखा हमें, उसको हम जब रिवॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक सॉलिड मिलेगा। ठीक है, बाय द रिवॉल्यूशन तो हमने उसका वॉल्यूम क्या देखा, हमें मैक्सिमम दे रखा है, जो हमारे रिवॉल्यूशन के बाद हमारा जो सॉलिड मिलेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, एक सरफेस दे रखा है, जैसे ये देखो एक सरफेस दे दिया हमें। ठीक है, इसको जब हम रिवॉल्व करेंगे, हमने इसको घुमाना है। ठीक है, जब हम इसको घुमाएंगे तो हमारा एक सॉलिड मिलेगा। ठीक है, उसी सॉलिड को निकालना है और उसका वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, गिवन सरफेस दे रखा है मतलब ये हमें जो जी लैम्डा के साथ जो मल्टीप्लाई करना है, ये वाला जी हो गया मैक्सिमम वॉल्यूम, ये एफ हो गया। ठीक है, अब देखो रिवॉल्यूशन में जब रिवॉल्व करते हैं तो हमारा सरफेस और वॉल्यूम क्या लिखते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने लेट द कर्व, हमें कर्व ले लिया, ओ ए कर्व ले लिया। ठीक है, पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, एंड इज रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये एक्सिस मेल होता है। ठीक है, किसके अबाउट रोटेट कर रहा है वो भी पता होना चाहिए, हमने एक्स एक्सिस ले लिया। ठीक है, हमने क्या ले लिया एक्स एक्सिस ले लिया, कोई वाई एक्सिस भी ले सकता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, अगर वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे, सॉरी वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा, अगर कोई लाइन के अराउंड, ये हमने वाई इक्वल टू वन ले ली। ठीक है, इसके अराउंड रोटेट करेगा तो ऐसे ऐसे करेगा। ठीक है, कोई भी हमारा कर्व हो सकता है। ठीक है, कोई भी हमें जैसे वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई एक कर्व दे दिया, ये कर्व दे दिया। ठीक है, तो हमें इसको बोले कि इसको वाई एक्सिस के अराउंड एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करो, तो हमारा कुछ ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, मतलब ये रोटेट हो गया तो ऐसे कुछ होगा, यहां से ये सीधा ऐसे जाएगा। ठीक है, तो हमने ये रोटेट का साइन है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, हमने इसको कर लिया, ओ ए कर्व को हमने रोटेट करा किसके अराउंड एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके अराउंड रोटेट करा तो हमें जो सरफेस मिलेगा, देयरफॉर द सरफेस एस इनक्लोज्ड बाय द कर्व वाई इक्वल टू वाई एक्स, जो हमें कर्व दे रखा है ये एक सरफेस बनाएगा। ठीक है, इक्वल टू सरफेस, हम रोटेट करते हैं कर्व को, रोटेट करते हैं तो सरफेस क्या होता है, देखो ये सरफेस बना तो हमारा एक्स एक्सिस के अराउंड है, ये एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। अब देखो जो स्ट्रिप मिलेगी ये क्या मिलेगी हमें, वाई एक्सिस में मिल रही है लंबी लंबी, देखो ये स्ट्रिप क्या मिल रही है हमें वाई एक्सिस के मिल रही है, और ये क्या है सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल स्ट्रिप है। ठीक है, ये जो हमें छोटे छोटे एरिया लेने हैं, हमें छोटे छोटे एरिया लेकर हमें क्या बनाना है पूरा सरफेस निकालना है। ठीक है, सरफेस एस हो गया। ठीक है, पूरा हमें क्या निकालना है सरफेस निकालना है, तो देखो सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल का सरफेस क्या होता है सीएसए क्या होता है, ये बाहर का सीएसए क्या होता है टू पाई आर एच होता है, टू पाई आर एच होता है। ठीक है, अब देखो इंटीग्रल ये टू पाई आर एच एक के लिए है, तो टू पाई आर ये किसके अराउंड, ये स्ट्रिप का दे रहा है वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस की तरफ को दे रहे हैं ना, वाई एक्सिस ऊपर को तरफ, ऊपर की तरफ को दे रहा है स्ट्रिप। ठीक है, हम लंबा लंबा किस तरफ को ले रहे हैं, ठीक है वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमारा आर क्या है यहाँ पर वाई है। ठीक है, आर आर क्या हमारा वाई है, और ना सॉरी आर क्या हमारा ये जो आर देखो यहां पर से ये स्ट्रिप ये सिलेंड्रिकल मिली, ये क्या हमारी एच है। ठीक है, ये क्या है और ये क्या है डीएस है, इसको क्या बोलते हैं हम छोटा छोटा ये कर्व के अराउंड क्या बोलते हैं इसको, कर्व जब हम कर्व निकालते छोटी छोटी स्ट्रिप लेंगे, हम स्ट्रिप छोटी छोटी लेके हम पूरा एरिया निकालेंगे।
ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, ये कर्व क्या राउंड, जब ये क्या होता है डीएस होता है, ठीक है, ये कर्व हो गया, ठीक है, ये वाली कर्व हो गई, ठीक है। तो हम हाइट क्या हमारी डीएस हो गई, और देखो जब हम वाई इक्वल टू वाई एस लेते हैं, वाई इक्वल टू ए कोई भी कॉन्स्टेंट लेंगे तो हमारे पास क्या मिलती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन मिलती है, ठीक है, वो क्या हमारी आर रेडियस। देखो जब हमने स्ट्रिप ली, एक स्ट्रिप ली, तो इसकी रेडियस देखो, यहां से हमने ये लाइन होगी, ये जो रेडियस होगी यहां से यहां तक होगी, ये क्या होगी वाई इक्वल टू कुछ लाइन होगी, ठीक है। तो हमने क्या लिया, टू पाई आर की जगह पे क्या हमारा वाई, और हाइट क्या है डीएस, ठीक है। और ये जो देखो कर्व बनाया, यहां से एक स्ट्रिप ली, तो ये क्या बनाया हमारा डीएस बना, जो हाइट होगी छोटे छोटे ये क्या बना डीएस बना, ठीक है, ये जो कर्व है उसके लिए हमारा ये डीएस बना, ठीक है, हाइट हमारी डीएस होगी। तो हम जीरो टू ए, हमें देखो जीरो टू ए तक हमने इसको ये कर्व ले रखा है, ठीक है, जीरो जीरो टू ए हमारा कर्व हो गया, जीरो टू ए टू पाई वाई डीएस की जगह हमने क्या लिख दिया, पहले भी लिखा था हमने डीएस, डीएस इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर होता है डीएस डी एक्स, ठीक है। तो हमने डीएस की जगह ये लिख दिया, हमारी इक्वेशन वन होगी, ठीक है, इक्वेशन वन होगी हमारी, एक्स निकल गया, ये फील्ड है गिवन देता है गिवन सरफेस, तो हमारा जो ये होगा ये क्या लैग्रांज मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये लैम्डा जी करके होगा। एंड वॉल्यूम हमें मैक्सिमम देखा है, मैक्सिमम वॉल्यूम देखा है, तो एंड वॉल्यूम वी वॉल्यूम क्या होगा, देखो ये स्ट्रिप क्या सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो आर क्या है, यहाँ पे हमने अभी बोला वाई है, ये देखो जो लाइन बनेगी ये क्या बनेगी, कोई वाई इक्वल टू ए बी कुछ बनेगी, ठीक है, तो हमारी देखो रेडियस क्या बनेगी वाई इक्वल टू, तो हमारा पाई वाई स्क्वायर, और ये क्या है डी एक्स, ये क्या है, और ये हमारा वॉल्यूम क्या है ये देखो, और इसका ये अंदर का वॉल्यूम है, तो ये क्या है पूरा एक्स है, ये क्या है डी एक्स, ठीक है, ये डी एक्स है। वहां पर क्या था, ये कर्व के लिए था, कर्व से हमारा सरफेस बन रहा था, ये कर्व के कर्व से हमारा सरफेस बन रहा था इस कर्व से, तो हमारे ये कर्व की वजह से क्या आएगा हमें डी एक्स आएगा डी एस आएगा, और यहाँ पे डी एक्स आएगा, ये वॉल्यूम क्या है अंदर का, और अंदर एरिया क्या है डी एक्स, ठीक है, तो हमारा पाई वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हेयर देखो, हेयर वी हैव टू एक्सट्रीमाइज वी को हमने मैक्सिमम करना है अंडर गिवन एस, ठीक है, जो हमें एस दे रखा है सरफेस दे रखा है उसके अंडर, ठीक है। हेयर एफ इक्वल टू जो ये एफ है ये वाला है, ठीक है, जो मैक्सिमम वाला होता है वो एफ होता है पाई वाई स्क्वायर, और जी क्या होता है टू पाई, जी क्या हमारे पास टू पाई वाई अंडर रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा एच हो जाएगा एच इक्वल टू एफ प्लस लैम्डा जी, ठीक है। और मैंने पहले जब हम यूलर्स इक्वेशन पढ़ रहे थे, अगर मैंने बोला था ये मल्टीप्लाई में आ गए, ठीक है, वाई वाई डैश अगर मल्टीप्लाई में आ गए तो वो वाला लगाना, देखो ये वाला डी बटे डी एक्स एच माइनस वाई डैश डी एच बटे डी वाई डैश इक्वल टू जीरो, तो ये वाला क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो एक ये वाला होगा, फिर ये डी वाई बटे ये डी एच बटे डी वाई ये होगा यहाँ पे, फिर क्या होगा डी एच बटे डी वाई डैश, ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको फिर तुम्हें ये दोनों आ जाएंगे एक साथ, ठीक है, फिर यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा प्रॉब्लम भी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो डी बटे है तो हम इसको यूज करेंगे यूलर्स इक्वेशन ये वाला अल्टरनेट मेथड, ठीक है, डी बटे डी एक्स एच माइनस वाई डैश डी एच बटे डी वाई डैश इक्वल टू जीरो, एच जब हम इसकी वैल्यू रख देंगे एच हमारा ये आ जाएगा, देखो फिर हम क्या रखेंगे एच की वैल्यू रखेंगे डी बटे डी एक्स पाई वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा टू पाई वाई अंडर रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर, और ये वाई डैश इंटू डेल एच डेल वाई डैश करना है तो लैम्डा टू पाई वाई इंटू जब इसको करेंगे तो हमने पहले ही कर चुके हैं तो सीधा लिख दिया वाई डैश अपॉन अंडर रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें से सिर्फ इसके साथ एलसीएम लेना, इसका वाई डैश स्क्वायर का इसके साथ लेना, तो हमारे देखो अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सेम वैसे कर दिया अंडर रूट वन प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा वन प्लस वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास लैम्डा टू पाई वाई वन प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस लैम्डा टू पाई वाई वाई डैश स्क्वायर हो गया। अब देखो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
देखो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा 2 पाई वाई रहा और ये इसके साथ ये आ गया और इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 पाई वाई वाई डैश स्क्वायर, और यहां पर भी क्या रहा, माइनस लैम्डा 2 पाई वाई वाई डैश स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमने इसको पहले ही कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या रहा, लैम्डा 2 पाई वाई अपॉन 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सी, ठीक है। मतलब जब इसको इंटीग्रेट भी करते हमने साथ में, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधे यहां पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, कांस्टेंट आ गया, ठीक है। सिंस, अब देखो सिंस कर्व, हमने क्या लिखा है, कर्व पासिस थ्रू ओरिजन, ठीक है, ओरिजन मतलब 0 0, तो हमने सिंस कर्व पासिस थ्रू ओरिजन, मतलब जहां हम एक्स 0 है तो हमारा वाई भी क्या है, 0, तो वैल्यू रख दो, ठीक है, वैल्यू रख दिया, तो हमने वैल्यू रखा पाई वाई 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, तो हमारा c क्या आया, c इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, c 0 आ गया। तो हमारे पास क्या रहा, पाई वाई हमने बाहर निकाल दिया, y प्लस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आएगा, या तो पाई नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं होगा, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, ठीक है, ये तो 0 नहीं होगा। यहां पर क्या आएगा, y इक्वल टू 0 और ये वाला इक्वल टू, ये इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास अगर y इक्वल टू 0 हो गया तो हमारे पास क्या मिला, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, एक्सट्रीमल क्या होगा हमारा, 0, तो एक्सट्रीमल 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमें सॉलिड निकालना, अगर हमारा एक्सट्रीमल 0 हो गया तो हमारे पास सॉलिड ही नहीं निकलेगा कुछ, ठीक है। तो y इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये वाला पार्ट ही 0 होगा, ठीक है, मतलब 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। तो 4, अब देखो हमने स्क्वायरिंग भी कर दी, तो 4 लैम्डा स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर नीचे आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको हमने, तो वाई डैश हो गया, हमने इसका एलसीएम लिया है, हाँ, तो वाई डैश का प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y, ठीक है। इट इज इंप्लाइड दैट, तो हमने क्या लिया, dy बटे dx हो गया, तो y वाला एक साइड को लेके आ रहे हो, तो प्लस माइनस y अपॉन अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dy इक्वल टू dx। जब इसको इससे, जैसे पहले इसमें करा था, पहले क्वेश्चन में वहां पर था x में था x माइनस a अपॉन अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर dx था, सेम वैसी है, यहां पर x की जगह पर क्या है, y है, तो मैं सीधा इसको सॉल्व कर रही हूं, तो जाएगा माइनस प्लस, क्योंकि देखो एक माइनस भी आएगा, देखो अगर हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, एक माइनस भी आएगा, क्योंकि इसकी वजह से जब हम इसको टी ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस डी टी आ जाएगा, जब हम इसको टी लेंगे तो डी टी आएगा माइनस 2y डी वाई, ठीक है, तो माइनस माइनस आएगा, ठीक है, माइनस अंडर रूट, हमने यहाँ पे प्लस माइनस था, प्लस माइनस, तो माइनस इंटू होगा ये, तो हमारे जाएगा माइनस प्लस, माइनस प्लस अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एक, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, हमने माइनस कर दिया, माइनस c1 कर दिया उसे, ठीक है, माइनस c1 इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिया, तो 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस c1 का स्क्वायर। अब देखो कर्व पासिस थ्रू ओरिजन, ये वाला लगाना है, कर्व पासिस थ्रू ओरिजन, ओरिजन से हमारा कर्व पास हो रहा है, तो हमारे देखो x के, मतलब x के जब x 0 है तो हमारा y भी 0 है, ठीक है, तो हमने y की जगह पे 0 और x की जगह पे 0 दिया, 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू c1 स्क्वायर रहेगा, c1 हमारा 2 लैम्डा हो गया, ठीक है, प्लस माइनस नहीं लगाया क्योंकि एक कांस्टेंट है, प्लस माइनस रहन दो, ठीक है, 2 लैम्डा हो गया सीधा, ठीक है, 2 लैम्डा, तो हमारा देखो वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, तो एक साइड को लेके आ जाओ एक्स और वाई, तो एक्स माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 लैम्डा का होल स्क्वायर। देखो तो हमारे पास सेंटर क्या है यहाँ पे, ये भी क्या बना हुआ है, सर्कल बना, तो सेंटर हमारे क्या हो गए, 2 लैम्डा कॉमा 0 और रेडियस हमारा 2 लैम्डा, ठीक है। देखो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल विच रिप्रेजेंट अ सर्कल, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर क्या है 2 लैम्डा कॉमा 0 और रेडियस क्या है 2 लैम्डा, हेंस अब देखो ये क्या आ गया, सरफेस हमारा एक सर्कल आया, और जब हम सर्कल को रोटेट करेंगे एक पीछे की तरफ को भी आ जाएगा, फिर ऐसे कुछ
ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, सर्कल, एक सर्कल लिया, ठीक है, फिर हमने उसको रोटेट कर दिया, ठीक है, रोटेट करा तो हमारे पास क्या बनेगा, एक स्फीयर बन जाएगा, ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा, एक स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। हैंस ऑन रिवॉल्विंग द सर्कल अबाउट एक्स एक्सिस, हम सर्कल को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो द सॉलिड फॉर्म इज अ स्फीयर, जो हमारे पास सॉलिड मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, स्फीयर। हमें ये बताना है, फाइंड द सॉलिड, ठीक है, जब हमें तो एक्सट्रीमल मिला दिए, एक्सट्रीमल को जब हम रोटेट कर रहे थे हमें क्या मिल रहा है, सॉलिड जो मिल रहा है वो क्या मिलेगा हमारा, स्फीयर मिलेगा, ठीक है। जब हमारा सॉलिड मिल रहा है वो क्या हमें स्फीयर मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।